Hello friends, here is your friend Rahul Vyas and you are watching Not Even Mine, Not Even Yours. It's our YouTube channel Gardening Fun. Friends, जैसे कि आपने हमारा thumbnail देख लिया है, आज हम करने जा रहे हैं कि कैसे हम startup करें हमारे terrace gardening का या फिर rooftop gardening का. फ्रेंड्स, जो टेरेस गार्डनिंग है या फिर रूफ टॉप गार्डनिंग जो है वो बहुत ही क्रिटिकल क्रिएटिविटी है. यहाँ पे उसके लिए हमें बहुत सारे क्राइटेरिया को डिफाइन करना पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं. हालांकि सबसे फर्स्ट हम बात करें कि हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है, बेसिकली वो तो है हमारे लैंड यानी कि स्पेस की. हमारे टेरेस में स्पेस होना चाहिए जहाँ पे इवन 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट हमें मिलनी चाहिए अगर हम करने जा रहे हैं एक ट्रॉपिकल फ्रूट गार्डनिंग का या फिर फ्लावरिंग गार्डनिंग का. और ऑल्सो अगर हम वेजिटेबल ग्रो करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली हमें सनलाइट का जरूरत तो बहुत पड़ने वाला है. तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो नीड है वो है स्पेस की. अगर स्पेस ही नहीं होगा तो हम किस तरह से हमारा जो गार्डनिंग है वो कर पाएंगे. तो हमारे पास अच्छा खासा टेरेस का स्पेस होना चाहिए, बाद में धूप आनी चाहिए अच्छी सी, मिनिमम 6 से 8 घंटे की धूप हमें मिलनी चाहिए. तो ये तो हो गई थी स्पेस की बात. अब दूसरी की लोडिंग कंडीशन. अब हम टेरेस पे डायरेक्ट सॉइल तो बिछा नहीं सकते, तो उसके लिए हमें गमलों का जरूर पड़ेगा. तो पॉट्स की हम रिक्वायरमेंट किस तरह से फुलफिल करें. अगर हम मिट्टी या सीमेंट के लेंगे तो उसका वेट तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, तो हमारी छत पे वेट बढ़ेगा. और अगर हम मिट्टी का यूज करेंगे, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मिट्टी का वेट हम किस तरह से कम कर सकते हैं. तो अगर हम डायरेक्ट मिट्टी डालेंगे तो और भी वेट बढ़ेगा. जो हमारा पॉट है सीमेंट या मिट्टी का, उसका तो वेट होगा ही, डायरेक्ट मिट्टी का वेट. फिर हम वाटरिंग करेंगे तो और वेट बढ़ेगा. तो हम इतना सारा वेट हमारे सीलिंग पे नहीं डाल सकते. हम टेरेस पे कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. तो सबसे बेस्ट चॉइस है यहाँ पे मेरे हिसाब से, आप प्लास्टिक के कंटेनर्स पे गौर कीजिए या फिर ग्रो बैग. अब ग्रो बैग बहुत अच्छी चीज है, हालांकि मुझे ये नहीं पसंद आई क्योंकि इसमें थोड़ा सा वाटर लीकेज का होता था सीलिंग में. तो अगर कंटिन्यूसली वो सीलिंग के कांटेक्ट में रहता है ग्रो बैग, तो क्या होता है उसमें पानी का जो कंटिन्यूस टच रहता है सीलिंग में, तो वो वहां से लीकेज कर रहा है. तो सीलिंग में ये बहुत ही डेंजर हम गिन सकते हैं. तो यहाँ पे हम ग्रो बैग्स का यूज करके भी इससे इस इश्यू से प्रोटेक्शन किस तरह से ले वो मैं आपको बताता हूँ. बहुत बड़ी हमारे जो ग्रो बैग होते हैं उसके साइज की हमें यहाँ पे एक ट्रे आती है, वाटरिंग ट्रे, वो हमें लानी पड़ेगी. हमें सबसे पहले वाटरिंग ट्रे रखनी पड़ेगी, उसके ऊपर ग्रो बैग रखना पड़ेगा. जिससे होगा क्या, उससे 2-3 बेनिफिट्स है उस ट्रे के. अगर हम समर टाइम की बात करें तो वहां पे पानी की बहुत ही शॉर्टेज होती है, हमारे प्लांट्स को कमी रहती है. तो जब हम पानी डालते हैं ग्रो बैग्स में तो वो बहुत ही जल्दी उसको रिमूव कर देता है. तो वहां पे क्या होगा, अगर हमने नीचे ट्रे रखी होगी तो पानी डालेंगे तो वो सारा पानी ट्रे में जमा होगा और ट्रे में से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि हम इतना पानी तो डालने ही नहीं वाले, तो सीलिंग में लगने ही नहीं वाला. तो ये एक बात हो गई, सीलिंग का हमें प्रोटेक्शन मिल गया, पानी का भी प्रोटेक्शन मिल गया. अब जब प्लांट्स को जरूर पड़ेगी, अब दोपहर हो जाएंगी, हम पानी डालने के लिए छत पे तो जाने वाले नहीं है, तो क्या होगा कि शुरुआत में जो पानी हमने डाला था वो ट्रे में स्टोर हो गया होगा. जब जब हमारे प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो वापस नीचे से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेगा. ये दो बात हुई हमारे बेनिफिट्स की. तो ग्रो बैग भी बहुत अच्छी चीज है अगर हम उसको डायरेक्ट लैंड पे ही अप्लाई करते हैं, ग्रो बैग्स में प्लांट ग्रो करते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, बहुत ही बढ़िया हल्की सी चीज है, इधर उधर कर सकते हैं हम उसको इजीली, और इजीली मिल भी जाती है कहीं कहीं पे. वैसे अहमदाबाद में उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने ऑनलाइन परचेस किए थे. फ्रेंड्स, तो वो बात हो गई कंटेनर्स की. हालांकि मैं अभी फाइंड कर रहा हूँ जो केमिकल कंटेनर्स आते हैं जो ब्लू रंग में आते हैं और लंबे आते हैं, मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और उसमें कुछ ऑटो वाटरिंग का भी ट्राई करने जा रहा हूँ. अगर आप उसका वीडियो देखना चाहूंगे तो बहुत जल्दी मैं करूंगा. अभी लॉकडाउन की वजह से मुझे कंटेनर मिल नहीं रहे, तो मैं ट्राई करूंगा जल्दी वीडियो अपलोड करने की. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत सारी जो आइटम्स हैं मैं आपको बताऊंगा. अगर आपके एरिया में कोई एग्रीकल्चर स्टोर नहीं है तो ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ी सी डिलीवरी चार्ज की वजह से कॉस्टली पड़ सकती है. लेकिन इवन आप जाए तो वो सब सेम ही पड़ेगा. तो उसकी लिंक अगर आप चाह रहे हैं अमेजोन की, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा.
और फ्रेंड्स सब्सक्राइब तो बनता ही है आपको करना अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो। और आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में, तो बात हो गई थी कंटेनर की, अब जो थर्ड आइटम है वो है कंटेनर हो गया। अब कंटेनर में भी आपको मैं दो तीन बात और बताना चाहता हूँ। वैसे सबसे बेस्ट कंटेनर तो माना जाता है मिट्टी का, क्योंकि उसमें एरेशन बहुत अच्छा होता है और प्लांट अपनी पूरी हेल्थ के साथ बढ़ता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसमें सिर्फ एक ही इश्यू है कि वो जल्दी से ब्रेक हो जाता है, अगर थोड़ा सा ही झटका लगे उस मिट्टी के गमले को तो ब्रेक होने का चांसेस है और उसका वेट भी ज्यादा है। हालांकि सीमेंट के गमले थोड़े से और वेट उसका भी होता है लेकिन वो टूटते नहीं है, लेकिन बात तो वही हो गई, उसमें सीमेंट में भी एरेशन उतना नहीं होता जितने मिट्टी के गमलों में होता है, तो ये सब बात हो गई। हालांकि प्लास्टिक पॉट में तो बिल्कुल नहीं होता है एरेशन, लेकिन अब प्लास्टिक पॉट एक अच्छी हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है, तो हम उसके साथ जाते हैं। फ्रेंड्स ये हो गई गमलों की बात। अगर हम आगे जाते हैं तो सॉइल, अब इस सॉइल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है आप कौन सी सॉइल डालते हैं। फ्रेंड्स हम जमीन में प्लांटेशन नहीं करने जा रहे हैं, हम एक कन्फाइनेड एरिया में, यानी कि हम एक एरिया कंट्रोल करके उसके अंदर हम जाने वाले हैं प्लांटेशन के लिए, तो जो रूट्स होती है प्लांट्स की उसको वेल एरिया नहीं मिलता है अपने आप को ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो रूट अपने आप में अच्छे से ग्रो नहीं हो सकती, तो हमें उसमें करना क्या है, तो वेल ड्रेन सोइल और हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी हमें यूज करना पड़ता है। तो दूसरी बात, अगर हम जमीन में पानी डालते हैं वाटरिंग करते हैं तो वो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो जमीन में ही अंदर चला जाता है, तो प्लांट्स को कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन अगर हम गमलों में ज्यादा वाटरिंग कर देते हैं तो पानी अंदर भर सकता है और हमारा रूट है वो ड्रॉट हो सकता है, यानी कि इन शॉर्ट में हमारा प्लांट है वो मर सकता है। तो इस इश्यू को हमें कम करने के लिए हमें वेल ड्रेन सॉइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वेल ड्रेन सॉइल एक्चुअली होती क्या है, अभी उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आप अपने आसपास कोई गार्डन है या फिर कोई जमीन है जहाँ पे मिट्टी आपको मिले, वो नॉर्मल मिट्टी आप ले लीजिए, अब उसको देखिए कि उस मिट्टी में रेत का यानी कि सैंड का कितना परसेंटेज उसमें है। अगर आप उसको फील करोगे तो आपको ये लगना चाहिए कि उसमें थोड़ी सी मात्रा में सैंड भी है, अगर नहीं हो तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल आप सैंड ले आइए जो कंस्ट्रक्शन साइट पे मिलती है, अब उसका रेशियो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप एक बकेट ले लीजिएगा, यहाँ पे दो एक बकेट के हिसाब से मैं बताऊँ तो एक बकेट आप नॉर्मल सॉइल ले लीजिएगा, फिर उससे आधा आप सैंड ले लीजिएगा, ओके नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वाली सैंड ले लीजिएगा। अब जो उसमें वन थर्ड पार्ट है वो कोकोपीट आप डाल सकते हैं, ये सैंड और कोकोपीट ऑप्शन है। कोकोपीट है क्या बेसिकली, वो मैंने एक और वीडियो आगे बनाया था मेरी दूसरी चैनल में, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोकोपीट वो नारियल के छिलके होते हैं, उसी का मुरब्बा या चूरा हम कहते हैं उसको कोकोपीट कहते हैं। वो एक्चुअली वाटर को स्टोर करता है और एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट करने में मदद करता है, और ये समर सीजन के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है क्योंकि ये मॉइस्ट सॉइल को रखता है तो ठंडक मिलती है प्लांट को। और दूसरी बात कि जो ग्रोइंग मीडिया हमारा बनेगा यानी कि जो मिट्टी बनेगी वो पोरस बनेगी, एयर सर्कुलेशन होगा, और दूसरी बात जो मिट्टी है उसका वेट कम करेगा और हल्का बनेगा। सो बहुत सारी एडवांटेजेस है, तो हमें डेफिनेटली कोकोपीट का तो इस्तेमाल करना ही पड़ता है। हालांकि मैं अब तक मिनिमम 100 किलो कोकोपीट तो ला ही चुका हूँ और यूज भी कर चुका हूँ, अब थर्ड टाइम मैं इसको लाने वाला हूँ क्योंकि अब मेरे पास अभी सॉइल नहीं है और सैंड पड़ी है, लेकिन कुछ प्लांटेशन का सोच रहा हूँ मैं तो लाऊंगा। और अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके नियरेस्ट में कोई स्टोर नहीं है और अगर आप चाहते हो कि कोकोपीट आप ही ले, तो डिस्क्रिप्शन में मैं डेफिनेटली लिंक तो दे ही दूंगा, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हो गई कोकोपीट वाली बात, अब कोकोपीट के और में भी बहुत सारे आते हैं ऑप्शन, जैसे कि हमारा वर्मिक्यूलाइट हो गया यानी कि और जो पर्लाइट हो गया। अब पर्लाइट है वर्मिक्यूलाइट है वो बेसिकली कुछ आइटम्स आते हैं, वो आपको जब सर्च करेंगे तो पता चलेगा वो कुछ और नहीं होता, जो पर्लाइट होता है वो वोल्केनो रॉक्स के जो स्टोन से होते हैं वही होते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए पॉपकॉर्न हम बनाते हैं तो उसके जो दाने होते हैं वो जब गर्म किए जाते हैं तो वो फट जाते हैं और एक्सप्लोर होके थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बस पोरस के साथ वो बड़ा होता है। तो यही बात वोल्केनो रॉक्स के साथ होती है और जिसे हम पर्लाइट कहते हैं, वो सफेद रंग के बहुत ही नरम, अगर आप हाथ में पकड़ के दबाओगे तो तुरंत उसका पाउडर बन जाएगा।
तो वही होता है, पर लाइक इसका भी हम कोकोपीट के जैसा ही होता है बिल्कुल, तो उसके एडवांटेजेस उसमें है, तो कोकोपीट डाले या फिर बड लाइट डाले, दोनों सेम ही बात है। सॉइल प्रिपरेशन हो गई, सॉइल प्रिपरेशन में वेल ड्रेन यानी कि अगर हम पानी डालें तो तुरंत उसमें नीचे से पानी निकल जाना चाहिए, यही बात थी, पूरस होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए, वेल न्यूट्रिएंट होनी चाहिए। अब न्यूट्रिएंट किस मायने में हम डालें, अब आजकल जो फार्मिंग है वो केमिकल बेस्ड हो गई है, तो टेरेस पे करते हैं तो हमें एक्चुअली ज्यादा फ्रूट तो लेना ही नहीं है और हमें मिलेगा भी नहीं, लेकिन कुछ हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो ही जाएंगी कंटेनर गार्डनिंग में टेरेस में। तो उसमें हम डाल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर की कंपोस्ट का खाद है वो डाल सकते हैं, लीव कंपोस्ट डाल सकते हैं, तो यही सारी है। थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में आप जब मिट्टी प्रिपेयर करें तो उसी पार्ट में आप ये जो सब है कंपोस्ट वो भी आप डाल दीजिएगा, और जैसे कि मैंने आपको 1/3 कोकोपीट बोला था तो 1 पार्ट आप खाद भी डाल दीजिएगा वर्मी कंपोस्ट, मैं वर्मी कंपोस्ट डाल देता हूँ। वर्मी कंपोस्ट भी आपके पास अगर नहीं हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, हमारा स्पेस हो गया, सनलाइट के रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, हमारा जो पॉट सिलेक्शन था वो हो गया, फिर हमारा सॉइल प्रिपरेशन हो गया, ये सारी बात हमने कर ली। अब बात होती है प्लांट्स की। फ्रेंड्स अगर आप फ्रूट प्लांट्स के लिए जाते हो तो आपको ग्राफ्टेड या एल्डिंग से प्रिपेयर किए गए प्लांट को परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बेनिफिट ये है कि इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी ज्यादा, और ये उसी टाइम से जब आप ग्राफ्टेड सक्सेसफुली हो चुका होगा वो प्लांट लाएंगे तो उसी प्लांट में अगले साल से आपको फ्रूटिंग मिल जाएंगी। फ्रेंड्स तो ये तो बात होगी, अगर आप किसी भी नर्सरी में जाए तो आपको ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट्स के पौधे तो मिल ही जाएंगे और साथ ही में आपको बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स के भी पौधे मिल जाएंगे। अब किस प्लांट को किस साइज के कंटेनर में लगाए, फ्रेंड्स सोच लीजिएगा, फ्रूट गार्डनिंग के लिए जाते हैं तो फ्रूट एक ऐसा हार्डी वुड प्लांट होता है जिसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और जगह की जरूरत पड़ती है, तो कम से कम 18 इंच का पॉट सिलेक्शन कीजिए आप फ्रूट के लिए, और अगर आप फ्लावरिंग के लिए जाते हैं तो इवन 10 इंच का भी अगर होगा आपका पॉट तो बहुत इनफ हो जाएगा उसके साइज, तो उसमें वो फ्लावरिंग भी कर देगा। अगर आप वेजिटेबल के लिए जाते हैं तो 12-15 इंच के पॉट्स चाहिए आपको या फिर लंबे ग्रो बैग्स चाहिए। अगर क्यारी हो आपके गार्डन में यानी कि गार्डन या टेरेस गार्डन में अगर आप क्यारी बनाते हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है। चलो तो फ्रूट्स हमें सिलेक्शन इसी तरह से करनी चाहिए, या तो वो एयर लेयरिंग से तैयार किए गए हो या तो वो ग्राफ्टेड हो, तो ये दोनों बात फ्रूट सिलेक्शन की हो गई। अब इन प्लांट्स को हमने प्लांट कर दिया हमारे गमलों में या फिर पॉट्स में, तो इसको रखे कहाँ पे? अब इसको रखना यही है कि अगर आप फ्लावरिंग फ्रूटिंग और जो वेजिटेबल के पौधे है उसको आप इस तरह से रखें कि उस पर कम से कम 7 घंटे की सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट तो उसको मिलनी चाहिए, तभी वो अपने आप को ग्रोथ पे ला पाएगा और फ्रूटिंग आपको दे पाएगा। और यही बात फ्लावरिंग में भी होती है, फ्लावरिंग में इवन पूरी दिन की नहीं हो तो इवन 4-5 घंटे या फिर 4 घंटे तो इनफ हो गए, उतनी तो मिलनी चाहिए तभी वो अपने जो ब्लूमिंग से है वो ला पाएगा। अब हमने लगा दी हमारे प्लांट्स की सिचुएशन सब जगह पे, उसको अरेंज कर दिया, उसको सेटअप कर दिया। अब बात आती है सीजन की। सीजन में हर प्लांट अपने हिसाब से अपने आप को बदलाव लाता रहता है, स्प्रिंग में फिर पत्ते झड़ जाते हैं, फिर जो हमारा बाहर आती है पत्ते फिर आते हैं, विंटर में पत्ते मुरझा जाते हैं वही बात है, और स्प्रिंग में फिर से धीरे धीरे से आने लगते हैं वही सब बात है, मानसून में उसका ग्रोथ और बढ़ने लगता है, गर्मियों में पानी की कमी की वजह से कुछ प्लांट सूख जाते हैं, तो यही सब बात हमें सीखनी है। तो अगले वीडियो में हमारा जो पार्ट आएगा पार्ट 2 टेरेस गार्डनिंग रूफटॉप गार्डनिंग, तो उसमें हम उसकी केयरिंग के बारे में बताएंगे। हालांकि ये सब बातें हो गई उसके बाद हमें और भी एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, ये तो हमने सब कर लिया, लेकिन इंसेक्ट और जो फंगस है उसका अटैक भी हमारे पौधों पर होता है। हालांकि मेरा एक प्लांट पानी भरने की वजह से नीचे से फंगस लग गई, वजह से सारे लीव्स है वो येलो के ड्रॉप हो गए, मेरा एक गंजीर का प्लांट था बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था लेकिन वो अब मरने की लाइन पे है, ऑक्सीजन पे चल रहा है, अभी चल ही नहीं रहा, मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ बचाऊ, लेकिन
उसके लिए हमें फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक बेस पे भी बनता है, बाहर से भी ला सकते हैं, लेकिन उसकी बात हम हमारे अगले वाले वीडियो में करेंगे। फिलहाल ये सब रिक्वायरमेंट थी। अगर आपको हाथ गंदा करना पसंद नहीं है गार्डनिंग में तो नहीं चलेगा, मेहनत भी लगेगी। तो कुछ टूल्स है उसकी लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कुछ ग्लव्स भी आते हैं उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स मैंने की है, मैंने सडनली जो अपना स्टार्टअप किया था वो मेरा थिंक बांबू से आया था। फिर सबसे पहले मैंने लक्की बांबू ग्रो किए, फिर जो आया मेरा इंटरेस्ट पड़ा वो फ्रूटिंग में जो कस्टर्ड एप्पल है वो, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे मालूम चला कि वो 2 to 3 years में फ्रूटिंग पे आ जाता है, इवन कंटेनर में भी। तो वहां से आगे थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ग्राफ्टिंग या एयर लेयरिंग या कटिंग ऐसी भी बहुत सारी मेथड्स है हमें फ्रूटिंग बौने पेड़ में फ्रूटिंग लाने के लिए। तो यही बात थी फ्रेंड्स, मैंने आपको शेयर किया, और हमारा अगला वीडियो जल्दी आएगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक तो करना पड़ेगा अगर आपको पसंद आया हो तो, और डिसलाइक भी कर सकते हो आप अपनी नापसंद के लिए। और नापसंद के लिए आप कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या पसंद नहीं आया, क्या पता नहीं चला, और क्या आपको इस वीडियो का अच्छा लगा, वो सब आप कमेंट कीजिएगा। मुझे कमेंट का रिप्लाई देने में बहुत खुशी मिलती है। और फ्रेंड्स कोरोना अभी भी चल रहा है तो ख्याल रखिए अपना, और किसी भी तरह की क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। हमारे अगले वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, प्लेस है, गुड बाय।